नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज। सुशीला ग्रीस स्कूल छावनी में आज दिनांक 7/11/2022 को मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष सुधा सक्सेना तथा एसबीएम टीम के निखिल कुमार, अनुज उपाध्याय, अंकित पांडे, सीमा यादव तथा अनीता कश्यप द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में स्कूल प्रबंधक श्री अनिल कुमार, एडवोकेट श्रीमती प्रीति सक्सेना, प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ एवं उपयुक्त स्वयं सहायता समूह से स्वाति सक्सेना तथा अंजू भारद्वाज तथा विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सेग्रीगेशन, होम कंपोस्टिंग तथा पॉलीथीन प्रतिबंध इत्यादि के बारे में जागरूक कराया गया। विद्यार्थियों को पॉलीथीन का उपयोग न करने, पॉलीथीन से होने वाले हानिकारक कार्यों तथा अपने आसपास पौधारोपण कर वातावरण को खुशहाल बनाने के बारे में भी बताया गया। शहर में उजड़े कूड़े के निस्तारण हेतु घरों में गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कर डोर टू डोर एजेंसी को देने की अपील की गई। गीला कूड़ा जैसे फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, चाय की पत्ती तथा बचा हुआ खाने से घर पर ही खाद बना सकते हैं। सूखा कूड़ा, शीशा, प्लास्टिक, कांच, थर्माकोल इत्यादि को अलग रखें, जिससे हम कबाड़ी वाले व्यक्ति या नगर निगम द्वारा संचालित MRF सेंटर पर भी रीसेल कर सकते हैं। मदन मोहन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष सुधा सक्सेना इस तरह के कार्य संस्था के माध्यम से अपने मेंबरों के द्वारा करते रहते हैं। संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद गरीब लोगों की जरूरत पूरी करता है। जो जरूरतमंद होते हैं उनकी समय समय पर मदद करते रहते हैं। आगे भी मदद के लिए संस्था का कदम बढ़ते ही रहेंगे। संस्था द्वारा गुरुवार को साईं मंदिर के पास झुग्गी झोपड़ियों DRM ऑफिस के पास नए और पुराने कपड़ों का वितरण किया जाएगा। संस्था की अध्यक्ष सुधा सक्सेना, उपाध्यक्ष अंजू भारद्वाज, सुलेखा, नीतू, स्वाति सक्सेना आदि। बरेली से सुधा सक्सेना की रिपोर्ट। सुधा सक्सेना जी और उनके साथी यहाँ पर विद्यालय में कार्यक्रम कराने के लिए आए थे। जिन्होंने के बच्चों नगर निगम की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने बच्चों को विशेष जानकारी ये दी कि कूड़ा किस प्रकार से हमें अलग अलग करना है और किस प्रकार से उसको अगर हम खुद ही घर पर डिस्ट्रॉय कर लें तो बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से करना है ये भी उन्होंने बताया कि चाहे गमले में करके कर लीजिए, कोई पौधा लगा करके उसको सींचिए तो बेस्ट मटेरियल पानी जो है वो निकल जाएगा और खाद भी बनती रहेगी, पौधा भी बनेगा और कूड़ा भी घर पर नहीं होगा और जिससे कि कम से कम कूड़ा बाहर जाए तो हमारा बरेली शहर बहुत साफ सुंदर और स्मार्ट सिटी बनने में सहयोग करे। इस प्रकार से बच्चों को उन्होंने जानकारी दी। मैम विद्यालय का नाम बता दीजिए। डॉक्टर सुशीला ग्रीस बालिका इंटर कॉलेज बाके की छावनी इज्जत नगर में कार्यक्रम हुआ। मेरे सहयोगी जो थे रत्नेश सक्सेना जी, राजीव गुप्ता जी और रविनंदन सक्सेना और प्रेम दत्ता, ये लोग मेरे सहयोगी थे। थैंक यू सो मच। आज हम लोग इस विद्यालय में आए हैं डॉक्टर सुशीला गिरीश बालिका इंटर कॉलेज में हम लोग आए हैं। हम लोग नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन टीम से हैं। हमारे यहाँ आने का मेन मोटिव ये था कि लोगों को स्वच्छता के बारे में बता पाएँ, जो गार्बेज जो कूड़ा उनके मतलब उत्पन्न हो रहा है घर से, हम उसे घर पर ही निस्तारित कैसे कर सकते हैं।
गीले कूड़े को अलग करके छोटे को अलग करके। तो क्या ये आप जगह मतलब सभी स्कूलों में ये? हाँ जी, एक्चुअली हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन टीम है, हम लोग तीन क्लास हम लोग जाते हैं हर विद्यालय में अधिकतर, लगभग यहाँ तक 30 से 40 स्कूल में हम लोग ये चीज़ अभी करा चुके हैं, ये अभी हमारा चल रहा है लगातार, और हम लोग इसे पर डे करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, सर आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप। मेरा नाम निखिल निमेश है, मैं नगर निगम से हूँ। हम स्वच्छ भारत मिशन टीम की तरफ से आए हुए हैं। हम लोगों का जो मेन मोटिव है वो यही है कि मतलब सभी स्कूल पे जागरूक कर सकें स्वच्छ भारत मिशन को, कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, उसके क्या क्या काम है। जैसे कि हमने अभी काफ़ी स्कूलों में करा है, और आज जैसे कि हमारे सुशील ग्रीस बालिका इंटर कॉलेज में प्रोग्राम रहा है।